आदमी पार्टी का जिले का सम्मेलन हुआ संपन्न। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पंकज सिंह ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, बताए जीत के गुण, सभी सीटों पर उतरेगी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। पत्रकार वार्ता में घिरे पंकज सिंह, दिए गोल गोल जवाब, लोकपाल के बिल के मामले में और नानी के राम के मामले में गोल गोल जवाब। आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं आए नजर, बड़े चर्चाओं में। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। आम आदमी पार्टी का जिले का सम्मेलन संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पंकज सिंह दमोह पहुंचे थे। एक स्थानीय होटल में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यकर्ताओं की उपस्थिति थी, जीत के गुण भी जब बताए गए। आम आदमी पार्टी सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इसके बातें भी बताई गई। क्या किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में, और उसी मॉडल को लेकर भारत के चार राज्यों में होने जा रहे चुनाव में भी आम आदमी पार्टी उतरने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार खरीद फरोख्त का कार्य करती है, जबकि आम आदमी पार्टी लगातार जन के हित के लेकर, मुद्दों को लेकर जन के बीच में आती है, आंदोलन करती है, उन मुद्दों का समाधान ढूंढने का प्रयास करती है। दिन भर ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वह चलता रहा। कार्यकर्ता थे, उनको प्रोत्साहित करने का यहाँ पर क्रम चला। वक्ताओं ने विचार रखे। जिले के अध्यक्ष सुनील राय और जिले के संगठन मंत्री अधिवक्ता चंद्रमोहन गुरु उपस्थित थे विशेष रूप से। पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में जहां पंकज सिंह ने अपनी बात रखी, पार्टी की बात रखी, तो वहीं पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए, परंतु कुछ प्रश्नों में वह घिरे और गोल मोल जवाब भी दिया। सबसे पहले जब उनसे पूछा गया कि लोकपाल बिल और नानी के राम और फिर जय श्री राम के मामले में आपका क्या कहना है, तो उनका क्या कहना था, आइए हम आपको सुनवाते हैं। लोकपाल का मामला उठा था जब आप लोगों ने कहा था कि लोकपाल बनना चाहिए, तो फिर वो कहाँ चला गया वो मुद्दा? लोकपाल जो बिल था दिल्ली में, हमारी सरकार बनते ही हमने उस बिल को पास किया। मुद्दा जो अटकाया गया केंद्र सरकार के द्वारा अटकाया गया है, ये बात है। मुद्दा कभी कहीं जाता नहीं, उसे हल किया जाता है, ये मुद्दा वहां रहता है। लेकिन इतने वर्षों में दिखलाई नहीं दिया कहीं पे भी वो। हमने जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी, हमने तत्काल उस बिल को पास करके, अब चूंकि केंद्र से मंजूरी मिली, केंद्र सरकार लटका के रखी, आप समझ सकते हैं। हमें तो काम करने से रोका जाता है कि ये सरकारी स्कूल कैसे अच्छे बना सकते हैं, ये घर घर राशन कैसे पहुंचा सकते हैं, महिलाओं को सुरक्षा कैसे दे सकते हैं। तमाम अड़ंगे लगाने के बाद भी आज अरविंद केजरीवाल जी का काम देखने के लिए न केवल देश के बल्कि दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। एक विषय और आ रहा है, नानी के राम और फिर जय श्री राम, कहां तक क्या सच्चाई है? देखिए, राम जो है, राम सबके आराध्य है, हमारे भी हैं, आपके भी हैं। वो तो ना तो नानी के राम हो सकते हैं, ना और कोई राम हो सकते हैं। राम एक ही है, ईश्वर है, आराध्य है। जो लोग भी राम के नाम पर झूठा ढोंग करते हैं, उनको आप पहचान सकते हैं। हम लोग आस्था को राजनीति में इस्तेमाल नहीं करते। मैं भी घर में पूजा पाठ करता हूं, मैं भी आराध्य मानता हूं, हमारी पार्टी में कई लोग आराध्य मानते हैं, लेकिन ये दिखावे का हिस्सा नहीं हो सकता, ये वोट मांगने का हिस्सा नहीं हो सकता। हमारे वोटर भी राम भक्त हैं, तो हम उनके बीच में अपने कामों को लेकर भी जाएं। हम राम भक्त हैं तो उनके आचरण को लेकर जाएं कि हम जनता के लिए क्या करें। सीधे सीधे गोलमोल जवाब और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। इसी क्रम में एक पूर्व मंत्री का नाम भी उभर कर सामने आया। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह भी कहा
जो संपर्क में थे, उनके परिवार के लोग संपर्क में रहे, नाम बताने से बचते रहे, इशारों में कहते रहे कौन है कौन नहीं है, यह सब चर्चाओं के बाजार में गर्म होता नजर आया। उनके घर से हमें संपर्क किया गया था और एक बार नहीं दसों बार बात हुई है। उनके घर के सदस्य थे। अभी हमारी पार्टी का निर्णय था कि हम उपचुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वो पार्टी तय करती है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, लेकिन संपर्क में थे। आज भी वो बातचीत करते हैं, ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं होती है, बातचीत होती है। वही दूसरी ओर दमोह जिले के में लगे बैनर पोस्टरों में लगातार चर्चाओं में बने रहने वाले एक प्रत्याशी, अपने आप को बताने वाले नेता कार्यकर्ता सम्मेलन में नदारद दिखे। और जब पंकज से इसे पूछा गया, वहां पदाधिकारियों से इस बात के बारे में पूछा गया, तो वह गोल मोल जवाब देते नजर आए। कह रहे थे आ जाएंगे, यही कहीं होंगे, परंतु सुबह से लेकर कार्यक्रम समाप्ति तक न तो नजर आए न किसी प्रकार की बात सामने आई। चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। देखते रहिए एनएनवी टीवी, जुड़ रहिए हमसे, मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।